गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं बांध पे। ये चेक करो पीछे का व्यू रोड पे, यहीं मज़ा आता है थोड़ा सा। और ये अपना भाई, इधर अपनी क्यून, हालात चेक करो भाई, इतनी सन गई ना बहुत ज़्यादा, धुलनी पड़ेगी भाई, घर जाके धुलेंगे वरना पापा डांट मारेंगे। और गाइस ये हेलो माय डियर जनता, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, शाम के 5:23 हो रहे हैं। और गाइस पता, सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है, अब तक बंद नहीं हुई है भाई। सुबह से ना इतनी वाली भयंकर वाली बारिश पड़ रही है ना गाइस, मूड ऑफ हो गया सुबह से, अभी सो के उठाऊँ मैं। सुरेशपाल आ, ये अभी बारिश पड़ रही है, आप चेक कर सकते हैं, ये चेक करो, बूंदें पड़ रही हैं फ़ोन के ऊपर। और मैं सुरेशपाल सुबह से सो रहे हैं भाई, सुबह ऐसे सो रहे हैं। सुरेशपाल दिन का पैसा पता चलेगा ना क्या हुआ भाई, रास्ता ख़राब हो चुका है, सुबह ऐसे सो रहे हैं हम भाई साहब, सिस्टम हैंग हो गया। और रास्ता दिखाऊंगा गाइस कैसी हो गई है भाई, सुबह 11 बजे तो मैं सो के उठा था, और अब शाम का टाइम बज गए। हमें ब्लॉग की याद आई कि हमें ब्लॉग भी करना है, इधर से आ जा। अब जाके हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, सुबह से कुछ करा ही नहीं था भाई, सोए जा रहे हैं ना, कहीं बाइक लेके जा सकते क्योंकि हमारे गांव की रास्ते ख़राब हो चुके हैं। ये चेक करो सुरेशपाल भाई, ये देखो भाई सिस्टम, रास्ता भाई, अरे बाप रे भाई, ये कंडीशन हो रखी है, देखो निकलने के लिए रास्ता नहीं है कहीं भी। और भाई सुबह से बारिश पड़ रही है, सुबह 4 बजे से, 13 घंटे हो चुके हैं। एक मिनट रुक जा भैया, इतनी जल्दी क्यों निकल रहा है भाई, पूरा दिन निकल गया, हमें पता नहीं चला कब पूरा दिन निकल गया। हम अपने रूम में से अब निकल के आ रहे हैं चाय पीने के लिए, शाम की नहीं, R15 तो अंदर ही खड़ी है भाई। आज हम अपनी बाइक भी नहीं लेके जा सकते कहीं भी, क्योंकि मेरे गांव की रास्ता ना इतनी मिट्टी ऐसी ना फिसलती है, बहुत ज़्यादा चिकनी रास्ता है, तो वहाँ हम ब्लॉग नहीं कर सकते। तो अभी हम आ चुके हैं घर, घर पे देखते हैं क्या सीन है। बारिश बंद नहीं हो रही, अब बहुत हल्की हुई है, अभी चलते हैं ऊपर। सो गाइस मैं आ गया हूँ घर पे अभी, और गाइस चाय भी नहीं बनी है, शाम की 5:30 हो चुके हैं, जो 4 बजे बन जाती है, ये लोग भी सो रहे हैं भाई घर पे आज सब। अब जाके मम्मी तैयारी कर रहे हैं चाय की, चाय वाय बन जाएगी, चाय पियेंगे क्योंकि भाई भूख लग रही है, सुबह ही खाना खाया था, उसके बाद बस सो गया। अब उठ रहे हैं भाई सारे लोग, सभी सो रहे हैं, मैं ही नहीं, पूरा फैमिली सो रही है आज, दुकान पे पापा यहाँ सारे भाई सब पड़े हैं अपने जैसा भी है। तभी चाय बन जाएगी, चाय वाय पीते हैं भाई। फाइनली चाय बन चुकी है, और भाई इतनी भयंकर वाली भूख लग रही है ना बहुत ज़्यादा, चाय गर्म है भैया, इतनी पीऊँगा मम्मी मैं, भूख लग रही है थोड़ी, और गाइस ये चेक करो, धुआं हो रहा है, धुआं गर्म है बहुत ज़्यादा। सो गाइस फाइनली चाय पी लिया, और भाई अब जाकर थोड़ा सुकून मिला। और गाइस बताए, बारिश अभी भी बंद नहीं हो रखी है भाई, इतनी भयंकर वाली बारिश पड़ रही है ना, अभी भी बारिश पड़ रही है, चेक करो देखो, बूंदें पड़ रही है ना, हल्की हल्की, नहीं दिख रही, आप दिख गए होंगे ना भाई। सुबह से बारिश पड़े जा रही है, बंद नहीं हो रही बिल्कुल भी, और भाई कोई प्लान नहीं है क्योंकि शाम हो चुकी है, वैसे भी 6 बज गए गाइस अब तो। आज तो अपनी क्यून को हम बाहर भी नहीं निकालेंगे, स्प्लेंडर से अगर जाऊंगा तो कहीं जा सकता हूं जैसा भी है, बट अभी कहीं जाने का प्लान नहीं है। जो भी होगा ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं रहिएगा, आगे सबको देखने के लिए मिल जाएगा सारा कुछ। तो अभी तो मैं ऐसी मस्ती काट रहा हूं बस, क्योंकि भाई मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है, देखते हैं नेक्स्ट प्लान क्या है। तो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए अपनी क्यून को लेकर, मतलब वहाँ जा रहे हैं बंदे में घूमने के लिए, मन नहीं लग रहा है इसके, आओ बस कर लो बंदे। गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं बांध पे, ये चेक करो पीछे का व्यू रोड पे, यहीं मज़ा आता है थोड़ा सा। और ये अपना भाई, इधर अपनी क्यून, हालात चेक करो भाई, इतनी सन गई ना बहुत ज़्यादा, धुलनी पड़ेगी भाई, घर जाके धुलेंगे वरना पापा डांट मारेंगे। और गाइस ये चेक करो, दोबारा पानी कितना भयंकर वाला आ चुका है, ये चेक करो भाई, पूरे में बाढ़ आ गई दोबारा, कल तक ये घट गया था लेकिन आज सुबह से बारिश पड़ रही तो बढ़ गया। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर पे, मतलब ऐसे ही घूमने आए थे थोड़ी देर नॉर्मल ही ऐसे ही, क्योंकि घर पे ना पड़े पड़े सुबह से मूड ऑफ सा हो रहा था। चलते हैं, चले सर पहले भाई, बाइक की हालत ख़राब होगी, डांट पड़ेगी गाइस घर जाके, उससे पहले हम धुल देंगे ना, घर जाके बाइक वॉश करनी है, और चलते हैं गाइस, उधर रुकेंगे थोड़ा बहुत देर जैसा भी है, और निकलते हैं, चलें, चलो भाई चलते हैं सीधा घर के लिए। Thank you.
गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं घर पर गाइज, नाइट हो चुकी है मतलब अंधेरा हो गया, कैमरा भी फोकस नहीं कर रहा ठीक तरीके से, और अपनी वाइफ को करते हैं वॉश एकदम से, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा वरना ब्लॉग भी शूट नहीं होगा जैसा भी है, तो पहले वाइफ वॉश करते हैं। आप ले रहे हो कि वो भाई धुआं भाई इतना गर्म हो गया आज तो नॉर्मली दुनिया गाइस। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपनी बाइक को वॉश करके, ये चेक करो ये घड़ी अपनी क्यों भाई इतनी भयंकर हालात हो गई थी ना, बस थोड़ी दूर ले जाने में सिर्फ ब्लॉक शूट करने में जैसा भी, तो वॉश करके खड़ी कर दिया हमने जैसा भी, और अभी हम जा रहे हैं घर पे खाना वाना खाएंगे क्योंकि भाई फुल लाइट हो चुकी है और 7 बज गए अंधेरा हो गया मतलब जैसा भी है, घर पे चलते हैं खाना वाना खाते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पर, गाइस नाइट हो चुकी है और सुबह से बारिश हो रही है ना, तो सुबह से घर पे लाइट भी नहीं आ रही, दुकान पे तो इन्वर्टर लगा हुआ है वहाँ तो लाइट रहती है लेकिन घर पे नहीं रहती। तो भाई अभी खाते हैं खाना, पता नहीं क्या है चावल। ये चावल सब्जी नहीं बनाई है इस टाइम तो कोई ना चावलों से खा लूँगा मैं। ऐसे तो भाई अपने चावल आ चुके हैं खाते हैं चटपटे हैं ना ये दाना। सो गाइस ये आ चुके हैं अपने चावल, ये नमकीन चावल है वैसे वाइट लग रहे हैं लेकिन है नमकीन, तो भाई खाते हैं। तो भाई खाना खा लिया और गाइस बताए जो चावल बनाए थे ना हमारी किसने बनाए भाभी ने मम्मी ने नमकीन चावल मतलब जिन्हें बोलते हैं जीरा राइस ऐसे थे मस्त लग रहे थे मतलब मैंने तो काफ़ी दिनों में खाए थे। तो भाई अभी अभी थोड़ी देर रुकना है दूध पी के जाना मुझे रूम पे क्योंकि भाई बार बार नहीं आऊँगा कीचड़ हो रही है पूरी रास्ते में और बारिश भी पड़नी स्टार्ट हो गई धीरे धीरे, तो एक बार ही सारा काम फिनिश करके घर से निकलते हैं, दूध अभी गर्म हो रहा है उसके बाद पीने के बाद निकलते हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ अपने दुकान पे भी और गाइस पता है यहाँ भी इन्वर्टर डाउन हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे लाइट होगी, यहाँ हो गया भाई इन्वर्टर डाउन काफ़ी सुबह से चल रहा है, सुबह से लाइट ही नहीं आई ना बारिश पड़ रही है इसलिए। तो भाई आज का ब्लॉग करते हैं एंड, तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना, गाइस वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना, जिस भाई ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हमारी हर एक न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देख पाएँ हमारा ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।